हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा बैकलिंक बैकलिंक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे बैकलिंक्स के कितने टाइप्स होते हैं ठीक है तो बैकलिंक्स एक तरीके से हो गया वेबसाइट के लिए एक हेल्दी फूड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वेबसाइट आपकी गूगल पे या किसी भी सर्जन पे रैंक करे ठीक बैकलिंक कब कहलाएगा जब एक पेज से दूसरे पेज पे आप मूव ऑन करा पा रहे हो अपने लिंक को ठीक है मान लो ये पेज ए है मेरा और ये पेज बी है अगर पेज ए से पेज बी पे यूजर चला जाता है तो पेज बी के ब्याव पे क्या कहलाएंगे हम पेज ए से मुझे लिंक मिला ठीक है अगर यूजर जा रहा है तभी लिंक कहलाएगा वो वरना नॉर्मल लिंक्स होते हैं वो ठीक है ना बैकलिंग में क्या होगा मतलब इस पेज पे कंटेंट डला है वहाँ पे मैं कोई एंकर टेक्स्ट लगा दूंगा एंकर टेक्स्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो उसको आप देख लेना तो आसानी समझ में आ जाएगी एंकर टेक्स्ट क्या होता है तो होगा क्या उस एंकर टेक्स्ट को गूगल जब पढ़ेगा गूगल के सीनल देते हैं हम कि सर ये जो कीवर्ड है ये इसके बारे में हमको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पेज पर पे लैंड करिए और होना क्या चाहिए जनरली हमको वही पेज आ, का लिंक लगाना चाहिए जिसमें उस पेज की इन्फॉर्मेशन दी हो मतलब एंकर टेक्स्ट आपने बना रखा है कि बाय ऑनलाइन शूज़ तो आप जब उस पर क्लिक करोगे एंकर टेक्स्ट पे बाय ऑनलाइन शूज़ पे तो जो पेज खुलेगा वो आपकी वेबसाइट का बाय ऑनलाइन शूज़ वाला ही होना चाहिए उसमें तो मतलब शूज़ की डिटेल आनी चाहिए शूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ठीक है ना इससे होता क्या है इससे आपको एक अथॉरिटी पास होती है अथॉरिटी पास होने के लिए हमने डोमेन अथॉरिटी सुना होगा आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं आगे वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर तो उसको आप देखना समझ में आ जाएगा आपको तो अथॉरिटी पास होती है अथॉरिटी मतलब हो गया एक तरीके से किसी का आ, समाज में इज्जत होती है किसी को रेस्पेक्ट होता है तो जब उसको वो या वो कुछ कहता है किसी के लिए तो हम जल्दी आसानी से मान लेते हैं एक तरीके से रेफरेंस टाइप का हो गया ना अगर आपको किसी ने रेफरेंस दिया कि उपेंद्र सर से सीखिए उपेरा ट्रेनिंग ज्वाइन करिए वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिपार्टी मिलती है तो आप एज़ कंपेयर टू मेरी वेबसाइट पर या मेरी कोई ऐड देख के आने के बजाय उसमें कन्वर्जन चांस होने का ज़्यादा होता है क्योंकि किसी ने फीडबैक दिया अथॉरिटी पास की मेरे लिए ठीक है ना तो इसको सेम वही तरीक़ा से जब वेबसाइट की हम बात करते हैं तो आप क्या करते हो देखते हो कि जिसका डोमेन अथॉरिटी अच्छा हो जिसकी पेज रैंक अच्छी हो हम उस पर जाके बैकलिंग जनरेट करते हैं तो बैकलिंग जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए स्पैम स्कोर आपका कम होना है बिलो टेन परसेंट होना चाहिए जिस पे आप बैकलिंग क्रिएट कर रहे हो प्लस उसका डी ए अच्छा होना चाहिए एच योर वेबसाइट मान लो आपकी वेबसाइट का डी ए टेन है तो आप ट्वेंटी प्लस डी ए पर बैकलिंग बना सकते हो तभी तो कुछ अथॉरिटी आएगी मेरे पास कभी कम वाले पर मत बनाना उसकी अथॉरिटी आनी ही नहीं है तो उस बैकलिंग का कोई बेनिफिट है नहीं अब जैसे कि हमने आपसे बात की थी टाइप्स बताऊंगा मैं टाइप्स होते हैं दो टाइप के डू फॉलो और नो फॉलो जब सर्च इंजन को सिग्नल मिल जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है इस पेज के बारे में इस एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आपको इन इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी अगर वो मिल रही है अगर सर्च इंजन वहाँ तक जा पा रहा है पास ऑन हो रहा है उसका अथॉरिटी तो वो डू फॉलो कहलाएगा इसलिए हम डू फॉलो लिंक बनाते हैं वहीं नो no फॉलो में क्या होता है अथॉरिटी पास नहीं होती है ठीक है ना क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो ये कहता है कि आप उस पर चले जाइए लेकिन कैसा है पेज कैसी वेबसाइट है इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है ना मैं इसका कोई जिम्मेदार हूँ एक लेमन की भाषा में समझा जाए तो इस तरीके से होगा ना मान लो होता नहीं कि क्योंकि हम बोल देते हैं आप वहाँ चले जाइए फिर वो बंदा पूछता है आपसे अरे सर वो कैसा है बोलते कैसा है तो नहीं पता मैंने बस सुना है देखा है मतलब ना तो वो क्या हो रहा है उस टाइप के जो लिंक्स बनते हैं हमारे वो नो फॉलो लिंक्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ़ यूजर जा सकता है इंफॉर्मेशन ले सकता है मगर आप अथॉरिटी पास होगी उसकी गारंटी नहीं होती और होती भी नहीं है सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो फॉलो में अथॉरिटी पास होती नहीं है अब डू फॉलो आपको सोर्स कोड में जब आप देखते हो जनरली यही सर्च इंजन का कहना है कि अगर वहाँ नहीं लिखा है कुछ भी जहाँ लिंक के आसपास इट मीन्स वो क्या दे रहा है आपको डू फॉलो लिंक दे रहा है और नो फॉलो क्लियर लिखा रहता है नो फॉलो आपको लिंक के आगे या पीछे नजर आ जाएगा नो फॉलो लिखा हुआ तो उससे आप समझ जाओगे कि ये जो लिंक लगा हुआ है ये नो फॉलो लिंक है आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ब्लैक लिंक्स के बारे में जानकारी मिली होगी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल उप ट्रेनिंग पे हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ आपको कुछ नहीं है फ्री में नॉलेज मिल रही है सिर्फ एक सपोर्ट करना है एक सब्सक्राइब देगी थैंक यू